हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। कल शाम को मैंने वीडियो बनाया था अंडर 30,000 पांच ऐसे स्मार्टफोन जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे फिलहाल सेल में मिल रहे हैं और बेस्ट हैं। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं पांच ऐसे स्मार्टफोन जो सेल में 50,000 के नीचे आ गए। एक्चुअली उनकी प्राइस 70,000 के आसपास की है एंड या उससे ऊपर की, एंड वो 50,000 के नीचे आ गए हैं, 40,000 से 50,000 के बीच में प्राइसिंग। एंड वो अमेजोन पे भी हो सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी हो सकते हैं। आपके पास SBI या फिर HDFC का कार्ड होना चाहिए तो आपको 10% अप टू 1,500, 2,000, 3,000 जो भी डिस्काउंट मिल जाएगा। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट अगर लेना चाहते हो आप गो पैसा ऐप यूज कर सकते हो कैशबैक्स के लिए एक्स्ट्रा। हाँ, गो पैसा की बात कर रहा हूं। उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ऑब्वियसली ऐप गो पैसा का, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां से जाके। एंड अगर आप उस ऐप पे जाते हो एंड साइन इन करते हो तो वहां पे आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट के आपको माइक्रो साइट्स दिख जाएंगे, उस पर क्लिक कीजिए और वहां से जाके ऐप परचेस कीजिए। एक्स्ट्रा कैशबैक आप कमा सकते हो, जैसे लैपटॉप लेते हो तो उसके ऊपर 2% है, यानी अगर आप 30,000 के आसपास का लैपटॉप लेते हो तो उस पर आपको 600 रुपए के आसपास कैशबैक आएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं जो आपको कैशबैक देंगे जो कि 45 से 60 डेज के बीच में क्रेडिट हो जाएंगे आपके गो पैसा अकाउंट में, जिसको बाद में अगर 250 रुपीज क्रॉस करता है तो आप विड्रॉ कर सकते हो। सेल का सीजन है फ्लिपकार्ट या अमेजोन का, दोनों वेबसाइट्स है वहां पे। उसके अलावा और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, आप जाके चेक करो डील्स, तो आपको SBI कार्ड, HDFC कार्ड के अलावा इसका भी कैशबैक मिलेगा। एक्स्ट्रा कैशबैक अर्न कर सकते हो दोस्तों, जो आपको SBI का मिल रहा है, HDFC का मिल रहा है, उसके अलावा भी। और जितने भी कैशबैक हैं उन्हें आप विड्रॉ कर सकते हो, यूज कर सकते हो अलग अलग पर्पस के लिए। देख सकते हो गो पैसा ऐप, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जरूर एक बार ट्राई कीजिए। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन हो पूछ सकते हो आके। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। पांच स्मार्टफोन, इसमें कोई लिस्टिंग नहीं है मेरे हिसाब से, ऐसा कोई रैंकिंग नहीं है। मेरे हिसाब से मुझे जो अच्छे लगे वो पांच स्मार्टफोन की लिस्ट मैंने बनाई है। पांचों में सबसे पहले मैं नाम लूंगा उस स्मार्टफोन का जो मैं खुद लेने वाला हूं। एक्चुअली अभी फ्लिपकार्ट का ओपन हुआ है, अभी अमेजोन का ओपन नहीं हुआ है, मुझे ये देखना। एक्चुअली ये प्रोडक्ट अमेजोन का ही है, S20 Plus की बात कर रहा हूँ मैं, सैमसंग के गैलेक्सी S20 Plus की बात कर रहा हूँ। ये प्रोडक्ट तो अमेजोन का है, एक्चुअली वो अमेजोन एक्सक्लूसिव होते हैं, लेकिन इस बार फ्लिपकार्ट पे ऑफर आया हुआ है तो मैं वेट कर रहा हूँ कि अमेजोन का भी ऑफर ओपन हो एंड मैं देखूँ कि किस प्राइस पे आ रहा है, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि कौन से साइट से लेना सही रहेगा एंड उसके बाद मैं लूंगा। तो ये स्मार्टफोन आपको एक्चुअली 76,000 के आसपास प्राइस है इसकी, सेल में आपको 50,000 रुपए में आने वाला है। और अगर SBI कार्ड यूज करते हो तो उस पर 3,000 का डिस्काउंट होगा। 3,000 कैसे? नॉर्मली क्रेडिट कार्ड के ऊपर उसमें 1750 1,750 रुपए का ऑफ है, लेकिन अगर स्मार्टफोन का प्राइस 30,000 के ऊपर जाता है तो आपको 1250 का और ऑफ मिलेगा, यानी 3,000 रुपए का टोटल ऑफ मिलेगा। ये स्मार्टफोन आपको 47,000 में मिल जाएगा दोस्तों। डील अच्छी है, देख सकते हो इसमें आपको 6.7 इंच का डायनेमिक एमोलेड 2X का डिस्प्ले मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट है, गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन फ्रंट और रियर दोनों साइड पे है, एक्सिनोस 990 का चिपसेट है जो कि 4G चिपसेट है, 12+64+12+0.3 MP का एक TUF का सेंसर है टाइम ऑफ फ्लाइट का, 10 MP का फ्रंट कैमरा दिया हुआ है, ठीक ठाक है, मतलब अच्छे कैमराज हैं। रियर वाले तो बहुत अच्छे कैमराज है दोस्तों, 118 के आसपास उनकी स्कोर आती है 150 मार्क की, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी है। देन उसके बाद इसमें 4,500 mAh की बैटरी है, 25W का चार्जर है, 15W का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है दोस्तों, हाइब्रिड स्लॉट है, 8GB 128GB, 77,000 का है, सेल में 50,000 में आएगा। SBI का क्रेडिट कार्ड अगर लगाते हो तो 3,000 का ऑफ हो जाएगा, 47,000 में डील बहुत अच्छी है, देखना चाहते हो देख सकते हो दोस्तों। ज्यादा टाइम ले लिया उसके ऊपर, दूसरे डील की तरफ चलते हैं। ये है आईफोन 11, इसका भी प्राइस कुछ 70,000 के ऊपर ही चल रहा है, आसपास ही चल रहा है एक्चुअली, सेल में आया हुआ है ये अमेजोन पे। एंड अगर आपके पास HDFC कार्ड है तो 1,500-2,000 रुपए एक्स्ट्रा जो भी ऑफ रहेगा वो और एक्स्ट्रा ऑफ ले सकते हो। डील अच्छी है, देख सकते हो इसकी तरफ भी, आईफोन 11 6.1 इंच का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, IPS का डिस्प्ले दिया हुआ है जो कि नॉच के साथ आता है, गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन फ्रंट और रियर दोनों साइड पे दिया हुआ है, एल्यूमिनियम का फ्रेम दिया है, A13 बायोनिक का चिपसेट है, 7 nm दोस्तों परफॉर्मेंस बीस्ट है समझ लो, 12+12 MP का सेंसर है रियर साइड पे, ड्यूअल कैमरा का जिसमें OIS का सपोर्ट है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, फ्रंट से भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, वहां भी 12 MP का सेंसर दिया हुआ है, 3,110 mAh की बैटरी है, 18W का चार्जर है, 3.5 mm जैक नहीं दिया हुआ है, ये याद रखना, और कार्ड स्लॉट नहीं होता। इस बार तो मुझे सुनने में आ रहा है शायद इसका ब्रेक भी निकाल लेंगे, जो चार्जिंग ब्रेक है वो निकाल रहे हैं आईफोन 11 से, अब वो अमेजोन वाले पे निकाल रहे कि नहीं, लेकिन अगर आप आईफोन को आईफोन स्टोर से लोगे तो वहां पे निकाल दे रहे हैं वो। चलिए 48,000 में सेल में आएगा, कार्ड लगाओगे 2,000 के आसपास का ऑफ मिलेगा आपको, 46,000 के आसपास मिल जाएगा दोस्तों, 46,500 के आसपास, डील बहुत अच्छी है।
देखना चाहते हो एक बार देख सकते हो दोस्तों। अगला स्मार्टफोन है Mi 10 5G। ये 55,000 के आसपास कुछ लॉन्च हुआ था, अभी इसका प्राइस 50,000 हो गया था, अब सेल में इसका प्राइस आने वाला है दोस्तों 45,000। इसके ऊपर 1,000 का एक्सचेंज भी है एंड देन 2,000 के आसपास कार्ड का ऑफ लगाओगे तो 42,000-43,000 के आसपास आ जाएगा। 5G फोन है, देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो दोस्तों। 6.67 इंच का, इसमें भी सुपर एमोलेड का पैनल है जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। HDR 10 प्लस का सपोर्ट है, गोरिल्ला ग्लास 5 जो है फ्रंट और बैक दोनों साइड में दिया हुआ है। स्नैपड्रैगन 865 5G चिपसेट है, देख सकते हो 108 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है, 13 मेगापिक्सल का उसके साथ अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 2-2 मेगापिक्सल के और दो सेंसर है, 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 4780 mAh की बैटरी है, 30 वाट का चार्जर है और प्लस 30 वाट का आपको वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, वो तो अच्छी चीज है, वो भी देख सकते हो। कार्ड स्लॉट नहीं है, 3.5 mm जैक नहीं है। प्राइस मैंने बताया कि 45,000 में आया सेल में और 1,000 का एक्सचेंज ऑफर है और 2,000 कार्ड के आप ऑफ कर दोगे तो 42,000 के आसपास आपको सेल में ये मिल जाएगा दोस्तों, देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो। नेक्स्ट डील की बात करें तो ओप्पो का फोन है, ओप्पो फाइंड X2। प्राइस इसकी करीब 65,000 के आसपास है एंड सेल में इस पे 18,000 का प्रीपेड ऑफ है, मतलब डायरेक्ट 47,000 और कार्ड अगर आप लगाते हो SBI वाला तो 2,000 के आसपास 3,000 के आसपास और ऑफ हो जाएगा। ये स्मार्टफोन आपको 44,000 के आसपास मिल जाएगा, डील बहुत अच्छी है देख सकते हो दोस्तों। इसमें भी 6.7 इंच का एमोलेड का पैनल है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट है, गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोडक्शन दिया हुआ है और 865G भाई 5G वाला चिपसेट है, प्रॉब्लम नहीं आएगा। 48 प्लस 13 प्लस 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 4200 mAh की बैटरी है, 65 वाट का चार्जर है, कार्ड स्लॉट इसमें भी नहीं है, 3.5 mm जैक इसमें भी नहीं है। डील अच्छी है, देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो। कैमराज इसके बहुत अच्छे हैं मैंने सुना है एंड ओप्पो फाइंड X2 किलर डील है, 43,000 के आसपास 44,000 के आसपास आ जाएगा दोस्तों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नया फोन है OnePlus 8T, अभी लॉन्च हुआ है 43,000 में इसका बेस वेरियंट जो है एंड कार्ड लगाओगे अगर उसके ऊपर HDFC का तो आपको 2,000 के आसपास ऑफ मिल जाएगा, 41,000 के आसपास आ जाएगा सेल में। डील अच्छी है उसकी तरफ भी देख सकते हो। HDR 10 का सपोर्ट इसमें भी है, 6.55 इंच का इसमें आपको सुपर एमोलेड का पैनल दिया, फुल HD प्लस का, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन फ्रंट और ये दोनों साइड पे है, पंच होल है दोस्तों। स्नैपड्रैगन 865 इसमें भी आता है यानी 5G चिपसेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऑक्सीजन OS के साथ आता है, उनका खुद का OS है, बहुत स्ट्रीमलाइंड है, बहुत अच्छी तरह वो लोग बना के रखते हैं। देन उसके साथ 48 प्लस 16 प्लस 5 प्लस 2 का रियर कैमरा है एंड 4500 mAh की बैटरी है, 65 वाट का चार्जर इस बार दिया हुआ है, टाइप सी का पोर्ट है, कार्ड स्लॉट और 3.5 mm जैक इसमें भी नहीं है, तो वो तो सब में से मोस्ट ऑफ देम मिसिंग है। अच्छी बात है, देख सकते हो डील इसकी भी अच्छी है, 41,000 के आसपास अगर आपको कार्ड के साथ मिलता है तो डील बहुत अच्छा है, देखना चाहते हो इसकी बार तरफ एक बार देख सकते हो दोस्तों। तो ये 5 स्मार्टफोन आने वाले हैं सेल में, ऑलरेडी आ चुके हैं मेरे ख्याल, जब तक आप वीडियो देख रहे हो तब तक तो आ चुके होंगे। देखना चाहते हो अंडर 50,000 देख रहे हो स्मार्टफोन्स, बेस्ट वाले दोस्तों इनकी तरफ देख सकते हो, अच्छी डील है, एक बार जरूर देखना। कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कि नहीं पसंद आया, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं उन्हें भी चेक कर सकते हो, मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट में खास नहीं करना, साइड में देखो व्यक्ति में जो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे आ जाना, कोई क्वेरी हो कुछ भी क्वेश्चन हो पूछो, मैं आंसर सबको देता हूं, आपको भी दे दूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में कुछ नए करने साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।